स्वागत है आप सबका मिस्टर गेमिंग में। और चलिए शुरू करते हैं पोकेमॉन फायर ब्लैक वर्जन। सो वही लेवल अप, मैंने कुछ लेवल अप नहीं किए हैं और हम अब जाते हैं और चलो इस एक से देखते हैं कौन सा पोकेमॉन निकलता है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पोकेमॉन ऐड करना है हमारे टीम में। बुलेट सीड होगा गेम में और ऑन। आज मैं पिछले सिटी से कुछ रिपल ले लेता। चलो जाते हैं रिपल लेके आते हैं, वही आसान पड़ेगा हमारे लिए। फटाफट जाते हैं। देखते आते हैं रिपल्स, इतने हमारा एक का भी काउंटिंग बढ़ेगा। 100 पास एक्सेल करो। आई थिंक 20 विल डी इनफ। रिवाइव होगा एंटीडोट, नहीं है पैरालाइज है एंटीडोट। पॉइजन 5, पोशन 5 ले लेते हैं। इनसे रिवाइव 2 ले लेते हैं। चलो शॉपिंग के बाद भी निकलते हैं। अब ये एक जल्दी हैच हो जाए तो फिर मैं डिसाइड कर लूँ मैजिक आर्प को रखना है कि नहीं रखना, कुछ तो करेंगे। चलो चलते हैं फिर। ये रिवाइव होगा, अटैक भी नहीं सीखा है कुछ। ओ हाँ, इसी के पास मैजिक है। फायर पंच, मडी वाटर। ओ हो, आइस पंच। ओहो, लगता है हमें लेवल अप करने पड़ेंगे दोस्तों, ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमारा। वाओ बोन, इतना एक ही बैटर ने कितनी तकलीफ दे दी हमको। बहुत टफ गेम है, अटैक बहुत अच्छे अच्छे अपन उनके पास। और हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास कौन सा अटैक है। रिपल सिस्टम
हाँ सी रिफिल सिस्टम है वो, अपडेट करते हैं। मुझे लगता है हमें जाना है इसी क्यू में, पर सबसे बैटल कर लेते हैं, क्या ही करेंगे। वाह एटलीस्ट एक्सपी शेयर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्या ही पता कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। हम सिर्फ गेस कर सकते हैं, और देखते हैं पोशन एक और मिल गया, सुपर रिपेल होगा ये। कैसे इनका हार्ट अटैक हिट हो सकता है, कम ऑन। ड्रैगन क्या है इतना, ये क्या था उनका, अच्छा एक रेयर कैंडी मिल गया हमें। अरे एलिट फोर मेंबर है, इससे तो थोड़ी जीत सकते हैं। ओ ये 6 on 6 level 14, ये भाई ऐसा कभी मत करना जो मैंने किया अभी। कभी भी मत करना ऐसा, इसको चैलेंज आप कर ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है आपकी लेवल इतनी होगी। कोई नहीं, हार जाते हैं, कोई हारने में कोई शर्म नहीं है। 488 चले गए, पर हमारे पैसे चले गए। टफ गेम है, बहुत टफ है, मज़ेदार भी है वैसे ये गेम। इतना तो मैं किसी गेम में नहीं आ रहा जितना इसमें आ रहा हूँ अभी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, उससे बात ही मत करो। ओके हमें इसी रास्ते से जाना है आगे, तो पहले बाकी के ये एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहली बार चांस मिला है, इनको भी इन्वॉल्व होते। रॉक टाइप यूज करेगा इसकी आशा करने वाली है। हमें हमारे पोकेमॉन ज़्यादा लेवल अप रखने होंगे गाइस, वरना हमें तकलीफ हो सकती है। नहीं यहाँ पर तो हमें नहीं आना था, एक ही पोकेमॉन है। क्या है पता नहीं, इसको कुछ भेज भी नहीं सकते यार हम, डायरेक्ट ऐसे जाकर ये लोग भेज दिया। यहाँ पर तो नहीं आने, मुझे लगा यही रूट होगा, यहाँ से जाने की जगह ही नहीं थी। हम ऊपर गए थे बराबर, और गलती से उसको चैलेंज कर दिया था। यहाँ पर जाके देखते हैं क्या है। तो OMG थेफ्ट होगा, मैगजीन पैरालाइज कर लिया। एम्बर वो
यहाँ भी नहीं जाना है हमें। तो टू तो ये ब्लॉक हो गई, और वहाँ सिर्फ एक पोकी बॉल है, वो भी ले ही लेते हैं। यार ये रिपल सिस्टम ठीक करो यार, पहले रिपल सिस्टम ठीक करो तुम। अच्छा मैंने रिपल ले लिया था, वरना हम तो घूमते ही रह जाते हैं। विंग अटैक, ये तो मैं अटैक रखूंगा, विंग अटैक ड्रैगन क्लो। मतलब एम्बर ये कुछ तो होगा, तो यही रखते हैं। ये फ्लेम थ्रोअर भी सीखता है, तो अटैक तो हम रख सकते हैं वर्सेटाइल। पैरालाइजिंग खेल के लिए इतना है, हम इधर आ चुके हैं। अब सिर्फ यही जगह बचती है, इसको चैलेंज मत करना, वी आर नॉट रेडी। फुटबॉल ट्रिपल है, अब हमारे शेलगन के पास अटैक अच्छे अच्छे सच में। फ्लेम चार्ज है ये, ठीक है, ये तो हमें देखने ही मालूम पड़ेगा। ओके ये तो हम इस पर छोड़ सकते हैं। और ये गया, लगता है मानसून से बाहर निकलने वाले हैं जल्दी ही। फ्यूल रॉकेट का तो पूरी पर कब्जा है इसमें, तो इसकी क्या बात है, कोई अटैक होगा। कम से कम हमारे पास अटैक तो अच्छे है। दो फॉसिल और मिल जाएंगे हमें, मॉक फिजिकल अटैक तो नहीं यूज कर सकते इस पे, पॉइजन टाइप ही यूज करेगा अभी कंटिन्यू। तो आगे क्या है, ये तो प्रॉपर रैपल क्या बताता है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ओरिजिनल माउंट फोन ही है। रूट थोड़ा अलग है पर, अरे रूट 4 के पोकेमोन हम ट्राई कर सकते हैं। टैक्स कर रहे हैं नीचे, ये वो ये निंजा बन गए, रॉकेट ब्रांच आर बिकमिंग निंजा। और अब निंजा क्या करेगा, सिंह सो जाएगा, ये अवेकनिंग नहीं है हमारे पास। देखते हैं क्या होता है इससे।
वेक अप बड़ी, वेक अप वेक अप वेक अप। बहुत बढ़िया। That was close one, wasn't it? अरे ये तो जाएगा फिर भी। नाक पॉइंट। गुड। और क्या छुपाया यहाँ पर? कुछ है तो नहीं? ओह वाव रे, राइट्स। यहीं से जाना है। गेम फाइव। कितना टाइम हो गया? ऑफ कोर्स हमारा टाइम हो गया है दोस्तों। शायद यू शायद जल्दी कर दी। नहीं, मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर दी। और इसके पास है चार पोकेमोन लेवल अप, नाकपन जो सुपर इफेक्टिव होगा। देखते हैं। हिप्नोसिस हो जाएगा। इसका ही वो लगता है रिवाइव है ये। सहन छः, इसलिए मैं इसको भेज रहा हूँ। अगर गलत निकला तो यस, गलत निकला। ये जाएगा पर बच गए हम, बच गए। वी वेर लकी। चलो हम अपनी एनर्जी रिस्टोर करते रहते फिलहाल तो। ओहो इतना क्या अटक है? वाओ लकी। और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? तो दोस्तों आज के पार्ट के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।